वाली रेडी हो गई है। दीपाली दादा के साथ देखिए जा रही है दोस्तों। पाटलिपुत्र पहुंच गए हैं दोस्तों और यहां से 11 बजे ट्रेन है मुंबई के लिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। और इस ब्लॉग में मैं देखिए फिर रिटर्न जा रहा हूं ड्यूटी पर। अभी पाटलिपुत्र पहुंच गया हूं और यहां से 11 बजे ट्रेन है मुंबई के लिए, लेकिन मुंबई में नहीं जाऊँगा। मुंबई से पहले मेरे को उतरना पड़ेगा, मनमाड़ स्टेशन आता है भुसावल के बाद, मनमाड़ एक स्टेशन आता है, वहाँ से फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के कल जाऊँगा। कल मैं पहुँच जाऊँगा लगभग 10 बजे पहुँच जाऊँगा इसी टाइम। अभी 10 बज रहा है, मेरा देखिए रिटर्न का जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। फुल जर्नी, फुल यात्रा मैं आप सबको दिखाऊँगा, कौन कौन सा ट्रेन बदल के जाना पड़ता है बाड़ी। यहाँ से दो ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से पहले पाटलिपुत्र से मणमाल तक जाऊँगा, फिर मणमाल से दूसरा ट्रेन चेंज करके जाना पड़ेगा मेरे को। चलिए फुल यात्रा मैं आप सबको दिखाऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। दीपाली अंदर चली गई है, दीपाली की मम्मी और दीपाली के दादा भी जा रहे हैं, मेरे पापा जी भी साथ में इस बार लेकर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए सुबह का 9:15 बज रहा है, स्टेशन पहुंच गया हूँ। देखिए स्टेशन के अंदर का व्यू है, देख इधर। पाटलिपुत्र से खुल गई है देखिए दोस्तों। अब जा रहे हैं अभी बाड़ी, देखिए अभी जस्ट खुली है। देख दीपाली देखिए इधर बैठी है, इधर दीपाली की मम्मी इधर है। जला हुआ कोच देखिए। दीपाली मम्मी से देखिए पैर दबा रही है और दीपाली मोबाइल देखने में लगी है। देखिए कितना आराम से लेटी हुई है दीपाली।
दीपाली ट्रेन पर देखिए बोरिंग फीलिंग कर रही है दोस्तों, रो रही है दीपाली। दीपाली को मन नहीं लग रहा है, बोल रही है फिर से नानी के घर जाएंगे। एक दिन और एक रात दीपाली देखे ट्रेन पर बिता दी है दोस्तों। दीपाली पढ़ाई कर रही है, बहुत बोरिंग कर रही है दीपाली, और बहुत भीड़ हो गया है ट्रेन पर। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कितना भीड़ है ट्रेन में, पूरा भरा हुआ है ऊपर से नीचे तक। मंडवार स्टेशन पहुंच गए हैं दोस्तों, एक दिन और एक रात काटने के बाद। और यहाँ से देखिए दूसरा ट्रेन है मंडवा से बाटी के लिए, 3 बजे शाम को है, 3:30 बजे आती है नई दिल्ली से। फिर यहाँ से जाएंगे तो 12-13 घंटा लगेगा बाटी जाने के लिए। अभी सुबह के 10 बज रहा है, 10 बजे यहाँ उतार दिया है। यहाँ 6-7 घंटा वेट करना पड़ेगा ट्रेन के लिए, फिर दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे। ठीक है, अभी जा रहे हैं कुछ नाश्ता उश्ता लाने के लिए बाहर से। और दीपाली के मम्मी दादा सब बैठे हुए हैं, अभी जाते हैं। मंडवार स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहाँ से दो रूट कट जाता है। एक तो दौंड पुणे के लिए यहाँ से कट जाता है, और यहाँ से मुंबई के लिए कट जाता है। दो रूट यहाँ से चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे उतर गया हूँ। यहाँ से बाटी के लिए अलग रूट है, और मुंबई के लिए अलग रूट है। अभी मैं जिस ट्रेन से आया वो मुंबई जा रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे उतर गया। ठीक है, ये मनवाड स्टेशन का व्यू है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 4 स्टेशन है, 1, 2, 3, 4 करके। वो बच्ची गुम हो गई थी, हरा गई थी, देखिए उसकी मम्मी अभी आई है लेने के लिए। स्टेशन पे छूट गई थी। पहुंच गए हैं दोस्तों, और अभी सो के उठे हैं। रात के 2 बजे पहुंचे थे, तो 2 बजे आए, तो उधर से आए तो सब मिल के सो गए, क्योंकि नींद पूरा हुआ नहीं था ट्रेन पे। और जिस ट्रेन से आए उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, पूरा कहीं बैठने का जगह नहीं था। दीपाली भी नहीं सोई थी, उधर से आई तो सोई, फिर सुबह में उठी है तो देखिए दीपाली को टेंशन लगा हुआ था होमवर्क बनाने का, देखिए होमवर्क बना रही है। कल से दीपाली स्कूल जाएगी। दीपाली बोल रही है पढ़ाई नहीं है, पूजा है। कल पूजा है, कल पढ़ाई नहीं है दीपाली का, कल पूजा है, परसों जाएगी दीपाली। ठीक है दोस्तों, इस यात्रा में इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।